ग्वालियर में 3 दिन का मेगा शो करके बीजेपी ने चंबल अंचल में उपचुनाव के महासंग्राम का आगाज कर दिया है। कांग्रेस की कमर तोड़ने के लिए बीजेपी ने जहां बड़ा सदस्यता अभियान चलाया, तो वहीं महाराज की हुंकार पूरे प्रदेश में पुराने अंदाज में लेकिन नए कलेवर में सुनाई दी है। शेर की तरह गरजते सिंधिया को देखकर बीजेपी नेताओं का उत्साह भी सातवें आसमान पर नजर आया। कांग्रेस जहां बीजेपी के मेगा इवेंट पर सवाल खड़े करती दिखाई दी, तो वहीं अतिथि शिक्षकों के मुद्दे ने भी दोबारा तूल पकड़ा। ग्वालियर चंबल अंचल से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम उपचुनाव का चक्रव्यूह। ग्वालियर में बीजेपी के 3 दिन के मेगा शो के सूत्रधार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इवेंट में महाराज की ताकत की झलक बीजेपी के आला नेताओं को देखने को मिली। इवेंट के बीच बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चला। सिंधिया ने दावा किया कि करीब 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता 3 दिन में बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने सिंधिया के दावे पर सवाल उठाते हुए सबूत भी मांग लिए। ग्वालियर में बीजेपी का 3 दिन का मेगा इवेंट पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हुए इस शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। लगातार 3 दिन चले सदस्यता अभियान को लेकर सिंधिया ने दावा किया है कि करीब 50,000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। महाराज ने चंबल से कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि उनका हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और वो प्रदेश और ग्वालियर चंबल के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज सुबह तक करीब करीब 50,000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हमने प्रण और संकल्प लिया है कि एक विकासशील, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण प्रदेश हम लोग स्थापित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 27 की 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया मतलब से बीजेपी में गए थे। कांग्रेस का ये भी दावा है कि ग्वालियर में जिनको सदस्यता दिलाई गई वो बीजेपी के ही लोग हैं। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में शामिल नहीं है। जो पूर्व विधायकों के आस पास घूमने वाले बगल बच्चे थे और उसके साथ चले थे, 4 महीने पहले जा चुके थे। एक बार सदस्यता पार्टी छोड़ने के बाद उन्हीं लोगों को दोबारा सदस्यता कराई जा रही है। ये सब जनता को गुमराह करने के लिए फर्जी सदस्यता अभियान है और जनता के साथ नौटंकी है। तरह से 50,000 की अगर उन्हें बात कही है तो मैं तो यही मानूंगा कि वो भी उस टीम में शामिल हो गए। कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जब तक बोलो तब तक सही नहीं मानी जाए। अगर 50,000 लोग सम्मिलित हुए हैं तो अलग अलग विधानसभाओं से हुए होंगे। उन्हें मैं तो अपील करता हूं कि उन्हें सूची जारी करना चाहिए कि किस विधानसभा के कौन कौन से कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं। वही कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सदस्यता अभियान पर उठाए जा रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सदस्यता फर्जी है तो वो खुद आकर जांच कर ले। अगर कांग्रेसियों को ऐसा लगता है तो कांग्रेसियों को आकर जांच करना चाहिए और अगर मीडिया को ऐसा लगता है तो मीडिया के लोगों को भी पूछना चाहिए कि वो कांग्रेस से आए हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूँ कि किसी नेता के दल छोड़ने के बाद और किसी दल में शामिल होने के बाद यह पहला अवसर है कि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसका कारण है कि यह जो परिवर्तन हुआ है यह दल बदल नहीं है, यह अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष है। 3 दिन के मेगा इवेंट में बीजेपी ने सदस्यता अभियान करके ताकत दिखाई। इस दौरान ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता की भी घर वापसी हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी बीजेपी में वापस लौट आए। बड़े नेताओं, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50,000 कांग्रेसियों के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों के बीच उपचुनाव से पहले
बीजेपी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भिंड से सौरभ शर्मा के साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज। बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान का असर मुरैना जिले पर भी पड़ा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सिंधिया, सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस अभियान में शामिल हुए। कांग्रेस सदस्यता अभियान पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का दावा है कि मुरैना जिले के करीब 12,000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावे को झूठ और फरेब बता रही है। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें मुरैना जिले की 5 सीटें शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि ग्वालियर में हुए सदस्यता अभियान में सिंधिया ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। बीजेपी का दावा है कि मुरैना जिले की मुरैना, सुमावली, जौरा, दिमनी और अंबा विधानसभा से 10,000 से 12,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। मुरैना के पूर्व विधायक और बीजेपी के संभावित प्रत्याशी रघुराज कंसाना का दावा है कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ता और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देंगे। कांग्रेस के लगभग 12,000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है हमारे वरिष्ठ नेताओं के समक्ष, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य श्रीमद सिंधिया जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण की और मुरैना विधानसभा के लगभग 2,500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आने वाले समय में हम मुरैना की पाँचों विधानसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस का बंटाधार होगा, सूपड़ा साफ होगा। यहाँ से बीजेपी को उम्मीद है कि सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी मुरैना जिले की सभी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। बीजेपी के महासदस्यता अभियान को लेकर मुरैना में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ और फरेब की राजनीति करती है। जब सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा था तब कांग्रेस से मात्र 25 कार्यकर्ता उनके साथ गए थे, जिनको कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस का दावा है कि कार्यकर्ताओं को पद का लालच देने के साथ ही उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता इन सब बातों से नहीं डरता। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार हैं, जो बागियों को उपचुनाव में सबक सिखाएंगे। कांग्रेस को भरोसा है कि मुरैना जिले की सभी 5 सीटों पर पार्टी जीतेगी और प्रदेश में फिर से उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुरैना जिले से बमुश्किल 25 कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए होंगे। जब सिंधिया जी बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली थी उस समय 25 जिले भर के लोगों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने सिंधिया जी के साथ गए थे। उनको हमने जिला कांग्रेस कमेटी से निष्कासित कर दिया था और उसके बाद में कल कोई भी कार्यकर्ता जिले भर का उसमें सिंधिया जी के साथ और बीजेपी की सदस्यता लेने नहीं गया है। उपचुनाव से पहले मुरैना में सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी के दावे से अलग कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। अब उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि बीजेपी का दावा सही है या फिर कांग्रेस का भरोसा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान सिंधिया जिस तरीके से कांग्रेस पर गरजे और जिस अंदाज में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनावी धार मिलती हुई नजर आई है। सिंधिया के इस अंदाज के बाद बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। महाराज ने भरी हुंकार, भ्रष्टाचार में लिप्त हो उस सरकार के साथ सिंधिया परिवार का रिश्ता नहीं हो सकता। शिवराज की भी ललकार, कांग्रेस की सरकार जनरल जरूरी थी, भाजपा की सरकार आना जरूरी थी, बोलो जरूरी थी कि नहीं, तो अब इस फैसले को सही साबित आपको करता है। वी डी शर्मा का अंदाज भी धुआंधार, क्या हमारी जो लड़ाई है वो इस भारत की सबसे बड़ी झूठ मंडली से, जो अंतर्राष्ट्रीय झूठ बोलते हैं, ऐसे कमलनाथ से हमारी लड़ाई है। नरेंद्र तोमर का भाषण भी जोरदार, गांव गांव जाओगे, कमल के लिए वोट मांगोगे,
ग्वालियर चंबल में बीजेपी के 3 दिनों तक चले मेगा शो ने इस अंचल में बीजेपी को एक नई चुनावी धार दी और उसकी वजह रही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया इस मेगा शो के दौरान पूरी तरह से उस अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। तीखा हमला, चुटीला भाषण, विरोधियों पर एक अलग अंदाज में वार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषणों की खासियत होती है और इस दौरान सिंधिया का ये अंदाज बखूबी देखने को मिला। दो 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी अंदाज में बीजेपी पर हमले किए थे, मगर इस बार वो बीजेपी में है तो निशाने पर रही 15 महीने की कांग्रेस सरकार। इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी पर जोरदार हमला किया, पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई और कमलनाथ सरकार की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया। सिंधिया के इन तेवरों ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया तो बीजेपी नेता भी कहीं ना कहीं जोश में नजर आए। सीएम शिवराज ने भी कमलनाथ सरकार पर हमला करने में कमी नहीं छोड़ी। 15 महीने के भीतर बीजेपी की शुरू की गई योजनाएं बंद करने का मुद्दा उठाया तो किसानों को धोखा देने और योजनाओं का पैसा खाने के आरोपों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपने इस मेगा शो को काफी कामयाब बता रही है। चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान हुआ नहीं है, मगर बीजेपी का ये मेगा शो कितना कामयाब रहा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव से पहले अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने बीजेपी के सांसद सिंधिया को उनका वादा याद कराया। सिंधिया ने जल्द ही उनकी मांग पूरी करने की बात भी कही। इससे पूर्व सीएम कमलनाथ भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा कर चुके हैं। विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। कांग्रेस में रहते जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि शिक्षकों के बीच पहुंचे थे तो उन्होंने सड़क पर उतरने और साथ देने की बात कही थी। सोमवार को एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और अपनी मांग दोहराई। शिक्षकों ने कहा, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं लेकिन हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है, हम अभी भी सड़क पर ही हैं। शिक्षकों के दर्द को समझते हुए सिंधिया ने कहा, जिस सरकार ने आपसे वादा खिलाफी की थी मैं उसके खिलाफ कदम उठा चुका हूं। शिक्षकों का आह्वान करते हुए सिंधिया ने कहा, आने वाले वक्त में आप उस पार्टी को सबक सिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। कुछ लोगों को भर्ती कर लिया गया है, जो रह गए हैं जल्द ही उनको भी भर्ती किया जाएगा। जिस सरकार ने आपके विरोध वादा खिलाफी की उस सरकार के विरुद्ध मैंने कदम उठाए, नंबर 1। नंबर 2,
जहाँ तक अतिथि विद्वान है और अतिथि शिक्षक की अलग अंशालीन महाराज अंशालीन एक मैंने अलग अलग श्रेणी में अतिथि विद्वान कॉलेज की है अतिथि शिक्षक हमारे स्कूल में अतिथि विद्वान के करीब 4,000 4,500 हमारे अतिथि विद्वान से कई 1816 मुझे जितना सूचना आपको है मुझे तो नहीं है जो सीमित सूचना मुझे है मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से कईयों को ले लिया है 1800 ऐसा कुछ बाकी है। माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने स्पष्ट कहा है कि आपका निराकरण उपचुनाव के पहले हम करवाएंगे। हमने भी स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षक आक्रोशित है, अगर उपचुनाव के पहले निराकरण नहीं होता है तो निश्चित होने वाले उपचुनाव में भयंकर विरोध होगा जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता हूं और जल्दी आपकी बातों का निराकरण करवाता हूं। कांग्रेस ने सिंधिया के अतिथि शिक्षकों से किए वादे पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी तो बदल ली है, अब देखते हैं सिंधिया अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी कराने में कितनी मदद करते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पहले ही दोबारा सरकार बनने पर शिक्षकों को नियमित करने की बात कह चुके हैं। स्वागत करेंगे सिंधिया जी का, अगर अतिथि जो उन्होंने उनके लिए सड़क पर उतरने की बात कही थी अब सड़क पर उतरे और या फिर उनका अतिथि शिक्षकों को नियमित कराएं, दो में से एक तो काम करें। जो यहाँ तक कथनी करनी में फर्क नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने कहा है ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए सड़क पर उतरे हैं तो उतरे, उनको हम तो उनका स्वागत करेंगे कि भाई कम से कम आपने अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छा काम किया है, अच्छे काम की मैं तारीफ भी करूंगा। प्रदेश में करीब 70,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं जो कई साल से नियमित करने की मांग को लेकर वक्त वक्त पर आंदोलन करते रहे हैं। उपचुनाव की दहलीज पर खड़ी पार्टियां क्या अतिथि शिक्षकों की मांगों और सपनों को पूरा करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट बंसल। वहीं कांग्रेस उपचुनाव में बिजली के बढ़े हुए बिलों और अघोषित बिजली कटौती को मुद्दा बनाया कि कांग्रेस ने इसको लेकर सियासी दांवपेच खेलने की तैयारी भी कर ली है। अब कांग्रेस ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। मुद्दे को बनाने के लिए कांग्रेस पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में सड़क पर उतर कर आंदोलन कर चुनावी जमीन मजबूत करेगी। प्रदेश में बिजली पर होगा घमासान, कांग्रेस सड़क पर लड़ेगी संग्राम, कमलनाथ संभालेंगे विरोध की कमान, बीजेपी की राह नहीं होगी आसान। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है कांग्रेस लगातार बिजली के बढ़े हुए बिलों और आघोषित कटौती को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनता बिजली के बिलों और पावर कट से परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में पहले से जनता परेशान है, काम धंधे ठप हैं, रोजगार छिन गए हैं, ऐसे में जनता पर बिजली के बिलों की मार पड़ रही है, लोगों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये सारा खेल इन्वर्टर और जनरेटर कंपनी से साठगांठ की वजह से हो रहा है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर निशाना साध रही है। हमारा सीधा आरोप है कि इन्वर्टर और जनरेटर निर्माताओं से सरकार का समझौता है, इसलिए बिजली कटौती हो रही है और लॉकडाउन के कारण जो फैक्ट्रियां बंद थी बिजली की खपत कम हुई है, उससे जो विद्युत मंडल को राजस्व हानि हुई है उसकी आपूर्ति सरकार गरीब और आम उपभोक्ताओं से कर रही है। चूंकि ऊर्जा मंत्री जी ग्वालियर संभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वे इस अंचल की उनकी जनता को जिन्होंने उन्हें निर्वाचित किया था उन्हें बताएं कि इन स्थितियों का जिम्मेवार कौन है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली कटौती और बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। तोमर का दावा है कि वो जनता की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो बिजली कटौती की निगरानी कर रहे हैं, तोमर गड़बड़ी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। तोमर का दावा है कि जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, किसी भी परेशानी के लिए जनता सीधे उनसे संवाद कर सकती है।
बिल्ली जो है 100 चूहे खा के को चली। जो कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं, उन्होंने 15 महीने में क्या किया? प्रदेश की जनता को लूटा। उनके शासन में कटौती कितनी हुई थी, जिसकी आवाज़ में यह सेवक प्रद्युम्न सिंह कैबिनेट में उठाता था। आज भी हम गरीबों के लिए 100 रुपये में 100 यूनिट दे रहे हैं। हमारा कोई बदलाव नहीं है। गरीबों के लिए हम कोई योजना बंद नहीं कर रहे। इनके पास कोई काम नहीं है। ये बताएं कि 15 महीने में इन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं, वो एक काम गिना दें मुझे। क्या ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक काम किया है माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, वो बता दें मुझे। 15 महीने में वो कहां थे, वो मुझे बता दें। वो उपचुनाव से पहले बिजली के मुद्दे पर सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस बिजली कटौती और बिजली के बढ़े हुए बिलों के बहाने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जनता भी बिजली कटौती और बिजली के बिलों में दौड़ते करंट से परेशान है। अगर समय रहते सरकार ने बिजली के मुद्दे पर लोगों की परेशानी दूर नहीं की तो उपचुनाव में मुश्किल हो सकती है। दिग्विजय सिंह के जमाने को याद करके कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली बीजेपी के राज में फिलहाल बिजली व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, जिसको कांग्रेस मुद्दा बनाने को तैयार है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।